तमिलनाडु में बसपा प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बसपा कार्यकर्ताओं ने आर्मस्ट्रांग की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया तो हत्या को लेकर पुलिस ने चौंकाने वाला दावा किया है। पुलिस का कहना है कि पिछले साल अगस्त में एक गैंगस्टर आरकोट सुरेश की हत्या के विरोध में आर्मस्ट्रांग की हत्या की गई है। गौरतलब है शुक्रवार को 47 साल के बसपा अध्यक्ष की 6 बदमाशों ने हत्या कर दी थी। हत्याकांड पर पुलिस ने बताया कि बेल्लोर के मूल निवासी और दलित सुरेश पेरंबूर में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, लेकिन आर्मस्ट्रांग के साथ उनके विवादास्पद संबंध थे। सुरेश ने कथित तौर पर वित्तीय घोटाले में शामिल एक सोने की ट्रेडिंग कंपनी का समर्थन किया, जिसने सितंबर 2020 और मई 2022 के बीच 1,00,000 से अधिक जमाकर्ताओं से 2,438 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। आर्मस्ट्रांग ने पीड़ितों का साथ दिया और पैसा वापस देने का वादा किया था, इससे दोनों के बीच तनाव पैदा हो गया। वही हत्याकांड में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सुरेश के भाई पोन्नई बीवालू, डी रामू, के थिरु वेंगटम, एस थिरुमलाई, डी सेल्वराज, जी अरुल, के मणिवंदन और जे संतोष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा के बाद मोबाइल फोन लोकेशन और बाइक नंबरों के माध्यम से हमलावरों का पता लगाया है। हमलावरों ने अपराध के बाद आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि उन्हें पीछा करने पर पकड़े जाने पर एनकाउंटर का डर था। हत्याकांड की जांच कर रहे अधिकारियों ने बताया कि हमलावरों का मानना है कि जयपाल ने आर्मस्ट्रांग के आदेश पर सुरेश की हत्या की है। जयपाल फिलहाल एक अलग मामले में जेल में है। उन्हें निवेशकों से अपना खोया हुआ पैसा वापस पाने के लिए कमीशन लेने की भी शिकायतों का सामना करना पड़ता है। आर्मस्ट्रांग की हत्या में सुरेश के भाई बालू को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। बालू ने कथित तौर पर उस गिरोह का नेतृत्व किया जिसने शुक्रवार को आर्मस्ट्रांग की हत्या कर दी। एक अन्य अपराधी नागेंद्रन, जो कि वर्तमान में जेल में बंद है, पर बालू को अपराध को अंजाम देने में मदद करने का संदेह है। गौरतलब है शुक्रवार को 6 बदमाशों ने आर्मस्ट्रांग पर हमला कर दिया था। घायल होने के बाद उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।